तो दोस्तों कैसा जा रहा है लॉकडाउन? डेफिनेटली निराशा से भरा होगा, पर यही तो अपना काम है हम सभी का, निराशा में कुछ आशा देखना, कुछ उम्मीद देखना, कुछ सीखना। और एक ही मूल मंत्र है इस लॉकडाउन से बहुत बेहतर मेंटल स्टेट के साथ बाहर निकलने का, कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें। कैसे करेंगे? जब अपने माइंड को बिजी रखेंगे, एक टास्क के बाद दूसरा टास्क देंगे। अगर आप अपने ब्रेन को टास्क नहीं देंगे तो यकीन मानिए ये लॉकडाउन डिप्रेशन से भरा होगा और बहुत सारे मेंटल इलनेस से आप ग्रस्त हो सकते हैं आगे की ज़िंदगी के लिए। देखिए, पहली बार अपने इस घर में मैं रोटियां बनाना सीख रहा हूँ। देख सकते हैं कि मैच्योर आदमी कैसे रोटियां बनाता है, कैसे आटा गूंथता है, पर प्रयास जारी है, कोशिशें जारी है। कुछ न कुछ बेहतर करना, कुछ न कुछ बेहतर सीखना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए इस लॉकडाउन से अच्छे से अच्छे मेंटल स्टेट को लेते हुए बाहर निकलने के लिए। और साथ ही साथ आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ बेहतर सीखें, कुछ नया सीखें, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्किल डेवलप करें जो शायद नहीं थे, या थे तो उनकी क्वालिटी पुअर थी। सो दिस इज़ द चांस फॉर यू, फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस, कि अपने घर में रहकर अपनी उन हॉबीज को पूरा करें जो हम कभी पूरा करना चाहते थे और समय की कमी कहकर नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हॉबीज ढूंढिए अपनी, उन्हें पूरा करिए, चाहे वो पढ़ने की हॉबी हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, या जो कोई आपकी हॉबी हो, मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसे दिल से करिए। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप योर एक्सेलेंट स्किल्स। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, और याद रखिए कि कोई भी क्राइसिस हमेशा के लिए नहीं आती, डिपेंड ये करता है कि आप उस क्राइसिस का सामना कैसे कर रहे हैं। याद रखिए, सैकड़ों बार आपने सुना होगा कि वक्त की एक खासियत होती है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। तो जैसे अच्छे वक्त गुजर जाते हैं दोस्तों, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। बेहतर ये है कि इस बुरे वक्त में हम कितना बेहतरीन तरीके से पेश आएँ और कैसे इस बुरे वक्त को हम कन्वर्ट करें अपने बेहतर वक्त में, या यूँ कहिए कि ऐसे वक्त में जो आपको नॉलेज देके जाए, स्किल देके जाए। तो आई एम डूइंग इट, आई होप यू विल डू इट ऑल्सो। बाय।